इंदौर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन एक बैठक जिला कलेक्टर कार्यालय में टूर एंड ट्रेवल्स के साथ प्रबुद्ध जनों के लिए रखी गई, जिसमें इंदौर शहर और जिले के चर्चित स्थलों से लोगों को अवगत कराने के लिए नया प्लान बनाया गया। वहीं यहाँ के परंपरागत यारों को यादगार बनाने और पर्यटकों के लिए इन त्योहारों का महत्व बताने की भी बात कही गई। इंदौर में टूरिज्म प्रमोशन के लिए दो बसें चलाई जाएंगी, एक बस दिन में और एक रात में चलेगी। जिला प्रशासन की ओर से इन बसों के द्वारा पर्यटकों को शहर के 56 दुकान, सराफा, लालबाग आदि जगहों पर ले जाया जाएगा। पूरी समिति के द्वारा कि इंदौर में दो बसेस चलाई जाएंगी जो कि कस्टमाइज बसेस होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के प्रमोशन के लिए चलाई जाएंगी। तो उसका रूट निर्धारित किया जाएगा, अल्टरनेट डेज पे डिफरेंट रूट होगा और दिन के लिए बस अलग चलेगी और नाइट के लिए बस अलग चलेगी। क्योंकि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे यहाँ एक सराफा है जो कि एक बहुत फेमस पॉइंट है, जहाँ पे लोग जो भी कोई इंदौर आता है वो सराफा जरूर जाता है नाइट मार्केट। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने कॉफी टेबल बुक स्टॉल के साथ ही फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जो 31 अगस्त तक सभी के लिए खुला है। इंदौर में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर यशवंत सागर और चोरल में आयोजित किए जाएंगे। वहीं गांव के माहौल को करीब से जानने वाले पाठकों के लिए बामनिया कुंड और पाताल पानी के पास रति गांव में प्रशासन व्यवस्थाएं कर रहा है। इसके लिए स्थानीय गांव वालों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज इंदौर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल की एक फॉर्मल मीटिंग की गई थी अलॉन्ग विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, जिसमें हमने जितने भी हमारे जो समिति के सदस्यगण हैं उसके अतिरिक्त टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से रिप्रेजेंटेशन थी, होटल्स एसोसिएशन थे उसके रिप्रेजेंटेशन थी, बाकी जितने भी हम लोग लोगों को बुला सकते थे इसके अंतर्गत जो बहुत ज़्यादा महत्व रोल रखते हैं टूरिज़्म के प्रमोशन में, उन सबको आज आमंत्रित किया गया था। यदि कोई भी व्यक्ति मालवा में आता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में टूरिज्म के नाम पे ओमकारेश्वर, महेश्वर, इंदौर भी यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसके दिमाग में मांडू आता है। हमारे इंदौर में भी बहुत ज़्यादा टूरिज्म का पोटेंशियल है, इट जस्ट दैट कि वो इतनी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कि लोगों को इस विषय में सूचना भी नहीं है कि बहुत सारे हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू के अंतर्गत भी, जिनके विषय में लोगों को जानकारी ना है। जानकारी के अभाव के चलते कई बार हमारा जो टूरिज़्म होता है वो प्रभावित हो जाता है। और एक चीज़ जानने की है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि लेबर इंटेंसिव है। इस तरीके से करना चाहते हैं तो इसमें अत्यावश्यक होता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको प्रॉपर टूरिस्ट गाइड्स के बतौर ट्रेन किया जा सके। तो यदि कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है तो वो ASI एवं स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, उसके कोऑर्डिनेशन में ये सारी एक्टिविटीज़ की जाएंगी, ताकि जो भी फैक्ट्स या तथ्य जो लोगों को पता चलें वो उनमें वो तथ्य हों, किसी प्रकार की स्टोरीज ना हों।